masala to your life. This time check is brought to you by Chicken Product ki farahmi ko yaqeeni banate hain. वेलकम बैक। अभी हमने ब्रेक से पहले मछली का सालन बनाया था, अब हम लोग बनाएंगे हैदराबाद की बहुत मशहूर खट्टी दाल। और इसके लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो हैं अरहर की दाल 2 कप, 2 टमाटर, कड़ी पत्ता थोड़ा सा, अदरक लहसुन 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च 2 टीस्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, 4 हरी मिर्च, पुदीना है थोड़ा, नमक हसबे जायका 1/2 कप, इमली का पानी, जीरा 1.5 टीस्पून, सूखी लाल मिर्च 4 से 5, लहसुन 8 से 10 कनी। मैंने अरहर की दाल को हल्के से गला लिया है क्योंकि अरहर की दाल को गलाने में खासा टाइम लगता है। लोग अक्सर इसे प्रेशर कुकर में गला लेते और जिनको बहुत जल्दी होती है खट्टी दाल बनाने के लिए वो कभी कभी मसूर की दाल में बना लेते हैं क्योंकि मसूर की दाल जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है। लेकिन असल में खट्टी दाल जो है वो हैदराबाद दक्कन में इसी की बनती है, अरहर की दाल की। अब मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ और अदरक लहसुन। एंड यस, करी पत्ता ऑल्सो। अगर आप हैदराबादी खाना पका रहे हैं तो मेरा ख्याल है आपको चाहिए कि आप एक अपने घर में करी पत्ते का एक प्लांट खरीद के ले आएं क्योंकि बार बार करी पत्ता चाहिए होता है। ये देखिए, अब ये मैंने इसमें डाल दिया है और ये अब थोड़ी देर, ये तकरीबन ये एक 10-15 मिनट जो है ये दाल अब गलेगी और उसके बाद फिर मैं नमक मिर्च और सूखा धनिया इसमें डालूंगी। आइए चले देखिए अब हमारी दाल की कैसी शक्ल बनी है। हाँ बिल्कुल, अब बहुत अच्छी तरह से ये गल गई है। अगर और अब इसमें मैं थोड़ा सा ज़रा मैं इसको पुराने स्टाइल से ज़रा घोटना चाहती हूँ। ये बहुत ही पुराना स्टाइल है, ये देख रहे हैं इसमें पूरे टमाटर भी सब ब्लेंड हो गए। अब हमने इसमें डालनी है मिर्च। मिर्च हम डालेंगे 2 टेबल स्पून। हल्दी 1/4 टीस्पून और नमक वही हसबे जायका। खट्टी दाल मुझे बहुत पसंद है। अच्छा धनिया देखिए, धनिया हम लोग जो है वो पिसा हुआ सूखा धनिया डाल रहे हैं, नॉट द टिपिकल ग्राइंडेड वाला वो नहीं है क्योंकि इसका जो मज़ा है वो एक अलग है। धनिया और इमली, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप चाहें तो इसमें नींबू डाल दें, कैरियों का सीज़न आ रहा है कैरी डाल दें या अंबाड़े की भाजी डाल दें, मे बी 1/2 कप। और अगर आपको इससे ज़्यादा दाल बनानी है तो आप बस क्वांटिटी जो है जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डबल कर दें। अब मैं डालूंगी हरा धनिया और हरी मिर्च एंड मीनवाइल देन वी विल गेट रेडी टू फॉर द बघार। हरा धनिया हरी मिर्च, यस मिर्च भी ऐसी काट के डालते, बड़ी डेडली किस्म की खट्टी दाल होती है। खट्टी दाल है और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मैं दम पे रख दूंगी, हल्की आंच पे ये दाल होती रहेगी। ये मैंने इसमें डाल दिया है, सारी चीजें डल गई हैं। अब मैं इसको दम पे रख देती हूँ। मीनवाइल वी विल गेट रेडी फॉर द बघार। दाल का जो असल मज़ा है वो उसके बघार में,
इट पर्क्स यू अप द बघार. तेल गरम होता है एंड वी कम बैक टू आर बघार. बघार में देखिए आप लहसुन इस्तेमाल हो रहे, सफेद जीरा है, करी पत्ता है और सूखी लाल मिर्च है. ये इस दाल के साथ येट अगेन बॉइल्ड राइस, वाइट बॉइल्ड राइस और भुनावा या तलावा गोश्त, दैट इज मोर देन इनफ. मैं आपको एक दिन भुनावा गोश्त भी बताऊंगी, वो भी बहुत मजे का होता है. अब हम डालते हैं अपने लहसुन. डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑन योर एग्जॉस्ट. चले आप देखें, ये जो है इमली, टमाटर, दाल, ये सब एक साथ मिल गए हैं. मतलब ये नहीं है कि टमाटर के पीसेस नजर आ रहे हैं या इमली नहीं पकी है. ये जो लाल मिर्च है इनको काला हो जाना चाहिए. आई होप आप लोग मेरे रेसिपीज एंजॉय कर रहे होंगे. थोड़ी सी नज़ाकत है वो तो मैं कहती हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही फेमस कुजीन है और बहुत ही आला किस्म का है, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी. देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्पाइसेस इन हैदराबादी कुजीन, बट डेफिनेटली द फूड टेस्ट सो मच बेटर. चलिए हमारा ये तैयार है और इसको डाल के मैं फौरन ढकना बंद कर दूंगी, इसलिए ताकि जो सारे इसके फ्लेवर्स हैं अंदर ही बंद हो जाए. यस यस, द स्मेल इज सो ग्रेट. आप देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा सा हमें नजर आ रहे हैं ये करी पत्ता जो हमने डाला था. ये यू कैन डिस्कार्ड दीज करी, इनके पत्ते. ये देखे ना, ये कहते हैं कि असल जो फ्लेवर होता है वो इसमें होता है. चले हमारी दाल तैयार है. दाल हमेशा जो लिक्विड किस्म के जो खाने होते हैं वो आप हमेशा प्यालों में निकालते हैं, ना कि फ्लैट डिशेस में. दे आर ऑलवेज पुट इन दीज काइंड ऑफ बोल्स. ये देखिए हमारी खट्टी दाल तैयार है. अरहर की दाल को खूब गलाएं, जिसमें कड़ी पत्ता और टमाटर, अदरक, लहसुन, नमक, लाल मिर्च और हल्दी मिलाकर चढ़ा दें. जब दाल गल जाए तो सूखा धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्च भी काट कर डाल दें. हल्की आंच पर रख दें, फिर इमली का पानी डालकर दम पर रखें. बघार के लिए जीरा, सूखी लाल मिर्च, लहसुन और कड़ी पत्ता डालें. आपकी खट्टी दाल तैयार है. आई होप आप इसको घर में बनाएंगे और खाएंगे और एंजॉय करेंगे और मुझे बताएंगे ईमेल पे कि आपको कैसी लगी. अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय.